हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं वर्क एनर्जी पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलो हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख लेते हैं। शुरुआत में वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वी हैव टू टेक द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन। ओके, आफ्टर दैट this also can be written as F dot S into cos theta. Here the displacement is always taken in the direction of force. जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, if this is the direction of the displacement and if this is the direction of the force applied, then in this case this angle theta is taken here as a cos theta. Okay, so this is the work done for variable forces, for variable force. This is for the constant, and for variable force we take the integration. So integration f dx is equal to work done. This is the expression for variable force. Okay, then kinetic energy. What is the formula for kinetic energy? It is 1 by 2 mv square, very common formula. The next thing is potential energy. The potential energy is always equal to the work done by the conservative force. Potential energy is always equal to the work done by conservative force. For a mechanical energy, the total energy is always equal to potential energy and kinetic energy. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि total energy is always equal to kinetic energy plus potential energy. याद ध्यान रखो कि जो potential energy है वो work done by conservative forces से मिलेगा, यानी work अगर conservative forces के द्वारा नहीं हुआ है तो आपको potential energy नहीं मिलेगी. Example, जैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन से जो वर्क डन होता है वह कहीं पे स्टोर नहीं होता है. और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई चीज़ ऊपर उठाई है तो उस चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी जितना कि वर्क डन होगा. ठीक है, ये फ़र्क आप समझ लीजिए. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और आप ये भी जानते होंगे कि वर्क एनर्जी थियरम क्या है. तो व्हाट इज द वर्क एनर्जी थियरम? दैट द work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. और एक आगे बढ़कर मैं ये कह सकता हूँ कि this should be equal to the sum of change in kinetic energy and potential energy. When work done is equal to kinetic energy and potential energy. तो अगर मैंने एक चीज़ को नीचे से उठाया ऊपर लेकर आया, अगर नीचे से उठाकर मैं ऊपर लेकर आऊँ और बॉडी को मोमेंट नहीं है, मतलब पहले वेलोसिटी जीरो थी बाद में वेलोसिटी जीरो थी, मान के चलो ये एक टेबल है और बॉल यहाँ पर है, तो यहाँ से उठा के हमने यहाँ लेकर आए बॉल को, नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी एट रेस्ट था और यहाँ पर भी एट रेस्ट है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है. तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा. सो यहाँ पे इस केस में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा. लेकिन अगर एक बॉल यहाँ पर है और हमने इसको फोर्स लगा दिए तो ये अब मोशन में आ गया. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, या समझो वी वन रही होगी इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी समझो इसका वी टू हो गया, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है. तो इन दैट केस आई विल यूज़ द काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एक ही सरफेस पे है, एक ही पोटेंशियल लेवल पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया है. पर अगर यही उठकर ऐसे ऊपर चला जाता तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता, अगेंस्ट द ग्रेविटी बढ़ता, तो उसकी बात अलग तरीके से हम सोचते हैं. सो वर्क डन कैन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी. इज दैट क्लियर? फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज पावर. व्हाट इज पावर? बेसिकली पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. Work done divided by time. So power is rate of work done. Let us see how I can find out the power.
So power of gun firing bullets, n bullets in one second at v velocity. तो ये गन है और गन से n बुलेट्स निकल रही है एक सेकेंड के अंदर विद वेलोसिटी वी एंड मास m एंड मास m, उसका मास m है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक बुलेट का 1/2 mv² होगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv² ये होगा वन बुलेट के लिए। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि देर आर n बुलेट्स। ओके, सो दिस इज द टोटल एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है? पावर। सो पावर डिलीवर्ड बाय द गन, ये हमको निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? सो पावर ऑफ गन इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, सो दिस इज द एनर्जी इंपार्टेड 1/2 mv² इंटू एन। तो हम लिख देते कि एन इंटू 1/2 mv², ये एनर्जी हो गई आपकी, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो एनर्जी डिलीवर्ड हुई वो पर सेकेंड हो रही है, मतलब 1 सेकेंड। सो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अल्टीमेटली पावर ऑफ द गन क्या हो गया? एन टाइम्स 1/2 mv². तो पावर का जो बेसिक फार्मूला है वो वर्क डन अपॉन टाइम है, और वर्क डन का बेसिक फार्मूला जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी हम पावर को दोबारा और एक बार सोचते हैं कि क्या होगा उसका वैल्यू अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूँ, मतलब वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये फोर्स है और ये अपॉन टी क्या है? वेलोसिटी। ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट होगा इसका। तो एफ डॉट वी मतलब पावर क्या हो गया? फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात कि जो हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम, इसके बीच का डिफरेंस क्या देख लेते हैं। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv². अब इस काइनेटिक एनर्जी को मैं ई मान लेता हूँ। तो ये 2 times E, ये 2 इधर आ गया, 2 times E इज इक्वल टू mv², एक और m यहाँ मिला देते तो ये हो जाएगा 2 times m into E। इस साइड में भी मिला देंगे तो ये हो जाएगा m² v², बट वॉट इज द वैल्यू ऑफ m into v? इट इज द मोमेंटम, सो p² mv is p एंड बोथ हैव द स्क्वायर वैल्यू, सो p², सो दिस वैल्यू इज 2 times m E। यू कैन से कि द E विल बी इक्वल टू p² upon 2m। सो दिस कैन बी यूज एज अ शॉर्टकट फार्मूला। फाइन, तो ये अब आपके सामने आ गया है। आगे कुछ और फार्मूले मैं बता दूँ आपको, कुछ जानकारी और दे दूँ। सो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, ठीक है, शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थियरम है। वॉट इज दिस? दिस इज वर्क एनर्जी थियरम। ओके, वी विल यूज इट वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट थिंग, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक मास है m और उसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है। इसको लेकर जाने के लिए एक फोर्स अप्लाई हो रहा है f, जो हमेशा सरफेस को टेंजेंशियल है। जैसे ये सरफेस हम ले लेते हैं कि अगर वो बॉडी यहाँ पे है तो फोर्स इस सरफेस को टेंजेंशियली लगेगा, ठीक है। अब ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाते हुए इसको धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक हम लेकर आए हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस और अ फ्रिक्शन एंड अनदर अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो ऊपर भी जा रहा है। जनरली जो रेजिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल, जो फ्रिक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टली हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो चलो, इसने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस एल कवर किया और वर्टिकली एच डिस्टेंस कवर कर दिया। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन वो दो लोगों की वजह से होगा। वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी।
ये दो चीजों की वजह से होगा। ठीक है, अब जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स इन टू यल करेंगे, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वर्क डन मिल गया। और फिर फोर्स इन टू ग्रेविटी करेंगे, ठीक है, सॉरी एच करेंगे, तो ये आपको मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन का। तो जो फोर्स होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ बॉडी को खींच रहा है ग्रेविटी, वो है mg, तो ये आ गया आपका mg h। सपोज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है और उस बॉडी का वेट है mg, तो ये mg जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ पे mg क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन क्या देगा आपको, ये देगा आपको फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको पता चल गया क्या है, वो म्यू इंटू एम जी इंटू दिस यल, सो दिस इज योर वर्क डन इन दिस केस। तो इस केस में आपका वर्क डन होगा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेना है आपको, और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी जो आपको एम जी एच है, वो तो सिंपल बात है। ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन के लिए आपको क्या लेना है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन और इंटू द डिस्प्लेसमेंट कितना है यल हॉरिजॉन्टल। तो हमेशा याद रखना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वर्क डन निकालना है तो वो अगेंस्ट फ्रिक्शन ही होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन का अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे हमें तीन सिचुएशंस बताई है और तीनों सिचुएशन में लगने वाला फोर्स अलग अलग है। जैसे यहाँ एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, लेंथ आर है उसकी, और वो यहाँ से उठकर हमने यहाँ लेकर आए बी पे, तो उसको हमने बी तक डिस्प्लेस किया है और फोर्स हमेशा हमने हॉरिजॉन्टली लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर गया, वो गया आर जितना दूर। तो हमें ये देखना है, हमें क्या देखना पड़ता है कि वर्क डन के वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पे है आर, सो ये हो जाएगा R इंटू एफ, ये हो गया वर्क डन आपका फर्स्ट केस में। अब सेकेंड केस में क्या है कि जो ये फोर्स लग रहा है ना अलोंग दिस पाथ लग रहा है, यानी यो भी डिस्प्लेसमेंट विल बी काउंट अलोंग दिस पाथ, तो ये जो पाथ लेंथ है ये आर्क लेंथ है ना, तो यहाँ पे हमें कहेंगे हम कि इस केस में जो फोर्स जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू आर्क लेंथ ये हो जाएगा। ठीक है, वो क्वार्टर लेंथ है, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr, और ये कितना है उसका क्वार्टर पार्ट है, मतलब 1/4 पार्ट है, तो इसको फोर से हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका f इंटू आर इंटू पाए बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन आपका सेकेंड केस में। अब हम जाते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस में क्या दिया है कि जो ये फोर्स है ना वो अलोंग दिस डॉटेड लाइन वर्क कर रहा है एंड सीधा फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेट ए टू बी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का लेंथ भी ये कंसिडर होगा ए से बी। अब ये देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर तो ये कितना वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे फोर्स इंटू एक्स हम करने वाले हैं, फोर्स इंटू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया है। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ आर, और आर स्क्वायर का डबल हो जाएगा इसलिए 2√ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क डन इन थर्ड केस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला, जब स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो उस वक्त स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है उस फोर्स ने इस बॉक्स को थोड़ा आगे की तरफ धक्का दिया है, तो जब उसने आगे की तरफ धक्का दिया है तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का एक ही आ रहा है, तो ऐसे में वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगेंस्ट फोर्स आता है, देखो ये स्प्रिंग इधर धक्का दे रहा है, इस वक्त इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है और वो इधर आया है,
तो ऐसे केस में वर्क डन आपका क्या होगा, निगेटिव। देखो कैसा है ये, इस तरह से है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे एफ डॉट एस इंटू कॉस थीटा है। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स इज पैरेलल टू एस, एक ही डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम थीटा क्या ले सकते हैं, जीरो। तो हो जाएगा एफ इंटू एस, एफ इंटू एस क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका पॉजिटिव। पर अगर एंटी पैरेलल है, मतलब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। एंड थीटा अगर आपने 180 डिग्री ले लिया तो कॉस 180 का वैल्यू होता है माइनस वन, तो उस केस में यहाँ माइनस देना पड़ेगा आपको। सो एक केस में वर्क डन पॉजिटिव, एक केस में वर्क डन निगेटिव है, वही हमने यहाँ पे बताया है। चलो और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर मैं एक और शॉर्टकट भी है ये कि अगर हमने एक मास को अटैच किया स्प्रिंग को और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ा, तो इस केस में जो मास है फाइनली इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, और फाइनली जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट समझो एक्स नॉट है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा स्प्रिंग केस में, तो वर्क डन इन अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये वर्क डन के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन होता है 1/2 kx2। हमारे केस में एक्स नॉट दिया है तो ये एक्स नॉट, ये होगा हमारा पहला केस, ठीक है। अगर ये फार्मूला मैंने पहले नहीं बताया तो अब लिख लो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग और अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 1/2 k इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस में क्या कहा है कि सडनली छोड़ दिया, मतलब ये स्प्रिंग है मैंने छोड़ दिया तो सट से वो नीचे जाएगा, जब वो नीचे जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इस वक्त क्या करेगा, वो डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेता है। जब वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजिशन में अगर एक्स नॉट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 times x0, ये बात ध्यान में रखना है। अगर ये 2 times x0 हो गया तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है वर्क डन, इस केस में वर्क डन क्या होगा, 1/2 kx × x x0, ठीक है। ये x0 कर दिया है, ठीक, इस केस में तो ये हो जाएगा 1/2 f, कि x0 का वैल्यू f, और ये हो जाएगा x0, ठीक है। अब सेकेंड केस में देख लेते हैं, सेकेंड केस में क्या होगा, उससे डबल हो जाएगा, यानी ये 4 गुना वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो इन दोनों केसेस का फर्क आप ध्यान में रख लो, जब आप स्लोली छोड़ोगे तो x0, और अगर आप फास्ट छोड़ रहे हो सडनली तो डबल, ट्वाइस द x0, ये बात ध्यान में रखना है। केसेस आपको बार बार पूछे जाएंगे जहाँ पे एक स्लो प्रोसेस के जरिए बात होगी और एक सडन होगी। यहाँ पे फिर हम दो एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर जो पार्टिकल है एम, मास जो अटैच है इस स्प्रिंग को, इस पुली से होते हुए अटैच्ड मास एम, इसको मैं स्लोली ड्रॉप करूँगा। तो अगर ये स्लोली ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे जो फोर्स सेटअप हो जाएगा वो कितना होगा, तो उसमें जो फोर्स सेटअप होगा वो एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट होगा, वो किसके बराबर होगा, ये emg के बराबर होगा, ठीक है। तो जब स्लोली ड्रॉप किया तो यहाँ जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही टेंशन यहाँ लग रहा होगा, ठीक है जी, इसको ऊपर खींच रहा होगा, तो के एक्स नॉट का वैल्यू जो है वो emg के बराबर है। अब सेकेंड केस में इसको सडनली ड्रॉप कर दिए, तो सडनली ड्रॉप करेंगे तो ये स्ट्रेस डबल हो जाएगा, तो उस केस में जो एफ होगा सडन जब हम उसको ड्रॉप करेंगे तो हो जाएगा के 2 times x0, इसका मतलब कितना हो गया, 2 times k x0, के एक्स नॉट का वैल्यू कितना है mg, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 times mg। तो जब आपने स्लोली ड्रॉप किया तो वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में आया, तो आपने इक्विलिब्रियम का रूल अप्लाई किया, आपको वैल्यू मिल गई के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg। पर सेकेंड टाइम जब आपने सडनली ड्रॉप किया तो आप डिस्प्लेसमेंट डबल लिखोगे तो वहाँ के 2x0 होगा, और इस तरह से आपका आंसर 2mg आ गया। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, दिस वन, पहले मैं इसको ले लेता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद में ये लेते हैं, थोड़ा आइडिया तुम्हारी रिफ्रेश हो जाएगी। तो पहले हम लेते हैं दिस, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय के एक्स प्लस वाई, आपको निकालना है वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन,
ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को लेके जाना है और आपको चाहिए वर्क डन। तो इस केस में देखो, वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा मतलब नेगेटिव यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये माइनस और फाइनल, फाइनल का वैल्यू क्या होगा के, ये एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3 है, तो के इंटू 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइनल वैल्यू होगा हमारा के टाइम्स 2 प्लस 3 माइनस व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू के इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा के इंटू 1 प्लस 1 फाइन। सो नेगेटिव ऑफ दिस इज 2 3 5 5 के माइनस 2 के, तो आपका आंसर हो गया माइनस ऑफ 3 के। सो माइनस 3 के इज योर आंसर, इज दैट क्लियर भाई। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और इस ब्लॉक में और ये जो वेज है इस स्लोप के बीच में, सरफेस के बीच में और ब्लॉक के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, उसकी वजह से वो बना रहेगा वहाँ पे। अब हमने ये पूरा सिस्टम जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर उठाया, जब हमने 4 मीटर पर सेकेंड से उठाया तो ये बॉक्स अपनी जगह से हिला नहीं, पहले वो स्लिप हो रहा था, अब वो स्लिप नहीं हो रहा है। अगर वो स्लिप नहीं हो रहा है तो उसको फ्रिक्शन मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है सफिशियंट फ्रिक्शन मिल रहा है, तो उसको स्लिप होने वाला फोर्स क्या है, ये इस डायरेक्शन में स्लिप होता, वो फोर्स कितना होता mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा, मतलब उसको इतना ही फ्रिक्शन इधर मिल रहा होगा, इसलिए तो स्लिप नहीं हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि इस फोर्स ने वर्क डन किया, मतलब फ्रिक्शन ने किया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है mg sin थीटा। तो उस केस में हम देखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब ये क्या है फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऊपर की तरफ और हमें वर्क डन पूछा है, समझो 1 सेकेंड में वर्क डन कितना है, फाइंड वर्क डन इन 1 सेकेंड, फाइंड वर्क डन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपको वर्क डन निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर, तो वो हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इंटू टाइम से निकालो, ठीक, तो ये हो जाएगा mg sin of 30 इंटू 4 इंटू 1। अगर मास m इज गिवन 1, सपोज मास इज गिवन 1 kg, तो आप वो 1 kg यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 joule, दिस इज द वर्क डन इन दैट केस। तो आपको वर्क डन निकालने के लिए बेसिकली फोर्स देखना पड़ता है कि कौन से फोर्स ने वर्क डन किया, ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। खैर, तो अब ये एक बात हो गई, अब सेकेंड बात हम देखते हैं इस इक्वेशन में, देखो ये क्वेश्चन, यहाँ आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है और टोटल एनर्जी दिया है 2 जूल और पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है आपको पार्टिकल का। तो जब पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, तो जब उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो हमें ये कंडीशन अप्लाई करना है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है, तो मिनिमम के लिए ये जो जैसे ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये अगर ऐसा ग्राफ है तो यहाँ पे वो मिनिमम है, जब मिनिमम है तो देखो कि स्लोप कितना हो गया 0। तो मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा, कब, मिनिमम के लिए। सो हम यहाँ लिखते हैं फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी du/dx शुड बी इक्वल टू 0, ये हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, देखो मुझे मिल रहा है
जीरो इज इक्वल टू एक्स फोर बाय फोर, मतलब फोर टाइम एक्स क्यूब बाय फोर माइनस टू टाइम एक्स बाय टू, ये वैल्यू मिली। तो कितना हो रहा है ये फोर फोर गेट कैंसल, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्स तो जीरो नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर हम जीरो ले लें तो एक्स का वैल्यू वन आ गया। तो जब एक्स इज इक्वल टू वन है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो डाल के देखते हैं। सो यू मिनिमम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर बाय फोर, मतलब ये हो जाएगा वन पावर फोर बाय फोर माइनस टू पावर है यहाँ पर और डिवाइडेड बाय टू। नाउ दिस इज वन बाय फोर माइनस वन बाय टू, कितना हो रहा है देखो, ये हो रहा है वन बाय फोर, दिस इज वन बाय फोर। बट ये क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, वन बाय टू बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जा रहा है निगेटिव। तो ये आपका यू मिनिमम हो गया। जब यू मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अच्छा, टोटल एनर्जी दी हुई है, टोटल एनर्जी उन्होंने बताया है कि टोटल एनर्जी है टू जूल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी वो आपको पता चल जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, सो दिस इज टू जूल। काइनेटिक एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वन बाय फोर, सो ये वन बाय फोर इधर आ जाएगा, तो टू प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी टू फोर जा एट, एट प्लस वन नाइन, सो ये होगा नाइन बाय फोर जूल, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब वो आपको ये बताएंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, तो फिर मास दे देंगे वो, समझो उन्होंने मास दिया आपको, मास का वैल्यू है सपोज वन के जी, ये अगर आपको गिवन है तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दोगे वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन बाई फोर जूल। तो मास कितना हो गया वन। इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ से जो बॉल है ना यहाँ से ड्रॉप कर दिया, मतलब स्लोली वो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद में वो रुक गया। तो यहाँ पे केस जो है वो इक्विलिब्रियम जैसा है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है जीरो। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन हुआ है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ना वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो पहले एनर्जी कितनी थी, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो थी एम जी एच। ओके, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया आपका एम जी एच। अब दूसरा उसी में क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसको यहाँ से यहाँ लेकर गए तो वर्क डन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझने बात को कि जब यहाँ से हम यहाँ लेकर जा रहे हैं तो अभी भी फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन से वर्क डन तो होगा ही, प्लस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी होगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होगा वो माइनस एम जी एच, और वर्क डन भी आपका एम जी एच हो जाएगा, तो ये होगा माइनस टू टाइम एम जी एच, ये वर्क डन हो जाएगा व्हेन यू विल टेक द बॉल फ्रॉम बी टू ए, और ये वर्क डन है व्हेन बॉल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये दो बातें समझ में आ गई। पहले केस में ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही थी, वर्क डन नहीं कर रही थी, अपने आप नीचे आ रहा था। एग्जांपल क्या है, ठीक है, एक मास। सेकंड केस में, ग्रेविटी के अगेंस्ट और उसका जो वर्क डन होगा वो एड ऑफ टाइम डिपेंडेंट है। चलो हम इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या है कि ये थ्री ट्रॉली के हमें देखना है कि वर्क डन कितना हुआ फर्स्ट टू सेकंड। अब इस ट्रॉली को हमने धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन बढ़ाया, वर्क डन वेरी स्लोली स्टेप वाइज ए नॉट तक बढ़ाया। तो जब आप स्लो करोगे तो ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो ऐसे में हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर देते हैं, ये है, ये टेंशन का डायरेक्शन है, ये थीटा है, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दिस डायरेक्शन आपको एक सूडो फोर्स मिल रहा है, जो एक्सेलरेशन मिल रहा है जो ए नॉट है, और इधर आपको मिल रहा होगा जी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लो
कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा सॉरी, हम अगर टैन थीटा कर दें तो अपोजिट साइड जो कि ए नॉट है अपॉन जी, सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए नॉट अपॉन जी मिलेगा। ये तो होगा व्हेन इक्विलिब्रियम इज देयर, पर अगर सडनली उसका एकदम से एक्सेलरेट करके ए नॉट लेकर आए तो अब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर इसका वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय द ए नॉट, ए नॉट की वजह से उसके ऊपर जो सूडो फोर्स पड़ रहा है उससे वर्क डन। सो वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि जीरो मिलेगा आपको, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो आपको जीरो मिलने वाला है। तो वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये निकालना है। तो मैं यहाँ से फिर से वो डायग्राम निकालता हूँ। यहाँ सपोज ये है हमारा लेंथ एल, ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा क्योंकि अब ये लेंथ तो फिक्स है, तो ये एल है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसने हाइट कितना गेन किया, ये हाइट गेन किया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, ये क्या है, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, सॉरी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये हो गया। और दूसरी बात क्या है कि अब ये जो है वो इतना डिस्टेंस इधर चल कर आया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, समझो मैंने इसको एक्स माना, तो पहले वो यहाँ रहा होगा तो वो इधर डायरेक्शन में आया, किसके एक्शन के अंडर आया, एम ए नॉट, एम ए नॉट इज अ सूडो फोर्स, इस सूडो फोर्स के एक्शन की वजह से वो इधर आया, तो सूडो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये वर्क डन हो गया। अब ये दोनों वर्क डन जो है वो जीरो दे रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एम ए नॉट एक्स, दिस वर्क डन शुड बी इक्वल टू एम जी एच, ओके। सो यहाँ पे लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच का वैल्यू निकालते हैं, इस एक्स का वैल्यू निकालते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये है हमारा थीटा, तो ये जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा कहूँ तो साइन थीटा इज अपोजिट एक्स अपॉन हाइपोटेनस एल, तो एक्स हो जाएगा एल साइन थीटा, एक बात हो गई। उसके बाद में अगर मुझे ये चाहिए, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो ये अगर वाई है तो ये मुझे मिलेगा कॉस से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल, सो वाई हो जाएगा एल कॉस थीटा, वाई क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ये जो एच है, एच कितना होगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा एल माइनस वाई, सो एल माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, एल कॉस थीटा, तो ये हो गया एल बाहर निकाल लेते हैं वन माइनस कॉस थीटा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एम ए नॉट एक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज एल साइन थीटा, इट इज एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी एच, तो एम जी और जो एच है वो है वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि एम और एल ये चीजें कट रही हैं, तो एम एल कट रहा है। उसके बाद में क्या मिला है आपको, ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू जी वन माइनस कॉस थीटा, ए नॉट टू टाइम साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, ये जी, और वन माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। तो अब ये क्या मिलेगा आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और ये साइन थीटा बाय टू, ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है। तो ए नॉट
2 upon g is equal to tan theta by 2. ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 कट गया हमारा, ठीक है। ये 2 sin theta by 2 cos theta by 2 और ये 2 sin square theta by 2 होता है, 1 minus cos theta का वैल्यू। 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2, तो वो वैल्यू हमने लिख दिए। अब क्या है कि ये जो tan theta है ये 2 नहीं आएगा। अब a naught upon g tan theta by 2, तो ये हो जाएगा theta by 2 is equal to tan inverse of a naught by g. So theta is equal to 2 times tan inverse a naught by 2. तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड केस में। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है हैंगिंग चेन का, या तो चेन इस तरह से लटकी हुई है तो उसको ऊपर उठाना होता है, नहीं तो वो नीचे गिर रही होती है। तो ये जो हैंगिंग चेन होता है इसमें जो मास होता है उसको आप सेंटर ऑफ मास उसका आधी लेंथ पे लेना। जैसे ये वाला केस देख लो कि एक चेन है जो उसका 1/3 पार्ट लटक रहा है, 1/3 पार्ट लटक रहा है, तो 1/3 पार्ट अगर लटक रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो 1/3 पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, यानी L बाय 6 पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट कम्प्लीटली स्लिप ऑफ, वो अभी स्लिप हो रही है और पूरी तरह से जब वो स्लिप हो जाएगी टेबल पर से तो वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी। तो अब ये पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब जैसे ही ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा पूरी तरह से स्लिप हो जाएगा, तो दूसरी केस में क्या होगा देख लो, ये इस तरह से आ जाएगा, तो फिर वो L बाय 2 पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो L बाय 2 पे आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो, पहले क्या है ये L बाय 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2L बाय ये हो जाएगा। टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग या चेन इज m, टोटल मास समझे m है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पहले है ये हमारा लेवल है और यहाँ इस लेवल को हम हाइट 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो इस लेवल का अगर हाइट आपने 0 मान लिया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लोगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। तो पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑफ द चेन ऑन टेबल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन हैंगिंग, जो हैंगिंग पार्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा इनिशियल टोटल एनर्जी, पहले का ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, तो उसके लिए पहले आपको मास देखना है, तो मास कितना होगा 2L बाय 3, ये लेंथ है तो उसी लेंथ के हिसाब से उसका मास होगा। तो ये हो जाएगा m अपॉन L, m अपॉन L क्या है, m अपॉन L है लेंथ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये जो मास पर यूनिट लेंथ है इसकी मदद से हमें किसी भी लेंथ का मास मिल जाएगा। जैसे 2L बाय 3 का मास कितना हो जाएगा, तो 2L बाय 3 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ इनटू ये g इनटू ये h कितना है 0 है प्लस। फिर उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन हैंगिंग, तो वो हैंग हो रही है इस डिस्टेंस के ऊपर, तो इसका जो h है वो माइनस L बाय 6 है, इसका h कितना है माइनस L बाय 6 है। उसका मास कितना होगा, तो उसका मास होगा L बाय 3, L बाय 3 m बाय L, ये उसका मास होगा, मतलब लेंथ इनटू मास पर यूनिट लेंथ मतलब डेंसिटी, उससे आपको इससे मल्टीप्लाई कर दे आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही देखो। तो ये 3 और ये 6, ये हो गया आपका 18, ये L के साथ L कट गया तो आपको मिलेगा m L माइनस, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वो पूरी तरह से नीचे आ गई, ये चेन पूरी तरह से नीचे आ गई, तो यहाँ पे L बाय 2 पे उसका सेंटर ऑफ मास है, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
तो टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस एम एल अपॉन ए टी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी टोटल मास इनटू हाइट। हाइट कितना गेन किया, माइनस एल बाई टू, क्योंकि नीचे आया तो माइनस, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये देखो, ये माइनस एम एल बाई 18 प्लस एम एल बाई 2, एम एल बाई 2 इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया। सो यहाँ पे 18 करने के लिए 9 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो ये एम एल और एम एल 9, मतलब ये 10 टाइम्स एम एल अपॉन 18, सो द वैल्यू इज 5 एम एल अपॉन 9, दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर उसे सॉल्व करना है। ये एग्जांपल भी उसी तरह से है। तो इसमें यो बोलेंगे कि समझो मैंने इस चेन को ये पूरी हैंग हो रही नीचे, तो उसका सेंटर ऑफ मास फिलहाल यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन, अब इसका तो कुछ इस चेन को उठा के मुझे ऐसा लगाना है, तो मैंने इस चेन को उठाकर इस तरह से लगा दिया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो पार्ट है ये अब अपनी जगह पे है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं किया आपने, पर ये जो बाकी हैंग हो रहा था इसको उठा के ऊपर रखा, तो ये जो हैंग का पार्ट, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, यानी एल बाय फोर, एल बाय फोर, ठीक है। अब ये एल बाय फोर पे था, मतलब समझो ये यहाँ पे था, ठीक है, तो ये 3L/4 हो जाएगा, एल बाय फोर 3L/4। अब इसको उठाया तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ गया, अब ये यहाँ से एल बाय फोर है, मतलब ये उसकी हाइट हो गई, ये उसकी हाइट हो गई जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास आपने शिफ्ट करा दिया। तो हाइट कितनी आ गई, 3L/4 में से एल बाय फोर निकाल लो, तो उस केस में हाइट हो जाएगा 3L/4 माइनस L/4 2L/4, मतलब L/2, ये हाइट हो गए, ठीक है। अब इतनी हाइट पर आप कौन सा मास लेकर गए, ये आधा वाला मास लेकर गए, मतलब आपका जो MGH है, मतलब M कितना लेना है, अभी आधा लेना है G एज इट इज, और H कितना लेना है, L/2। तो ये हो गया MGL डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया आपका वर्क डन इस केस में, जब वो हैंग कर रहा था और उसके लास्ट एंड को पकड़कर आपने ऊपर लगा दिया। ये लास्ट एग्जांपल है, हाँ इसके बाद में एक और एग्जांपल लूंगा मैं, फिलहाल मैं इसको समझा देता हूँ, वो बोनस रहेगा आपके लिए, और बहुत बढ़िया एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से वर्क इज, व्हाट विल बी द वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, हमें ए से बी तक लेकर जाना है, और हमें फोर्स दिया है एक्स आई वाई जे, निगेटिव एक्स आई वाई जे। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू वर्क डन। तो इस केस में क्योंकि हमारे पास में एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई, इस तरह से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इनको कर लेते हैं, एफ की वैल्यू क्या है, एक्स आई, सो इंटीग्रेशन माइनस एक्स आई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, एफ कितना है वाई, सो वाई जे डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू आई प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू जे, ये हो गया आपका वर्क डन। अब ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 10 से लेके तो 01 तक जा रहा है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू 10 से 01 तक, ठीक है। कितना आ जाएगा देख लेते हैं, पहले हम 01 लिख लेते हैं, तो 01 जब लिखेंगे तो पहला वैल्यू 0, दूसरा वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, फिर जब ये 1 वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, मतलब 1 जूल, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 जूल। तो फोर्स आपको दिया है एफ इज इक्वल टू वाई टाइम्स
आई एंड एक्स टाइम्स जे, ऐसा फोर्स दिया है। तो जैसे कि आपके हमेशा की आदत है, आप क्या करेंगे, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, यहाँ पे हम डी एस लिख देते हैं फिलहाल के लिए, और इसका इंटीग्रेशन लोगे तो आपको मिलेगा वर्ग। और यहाँ पे सवाल क्या है कि जब हमें वाई के साथ में जे मिलता और एक्स के साथ में आई मिलता तो आसान हो जाता, अब इसको इंटीग्रेट करना तो मुश्किल है। y को आपको x के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy, अब ये मुश्किल है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy, ऐसा हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, है ना, ये प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। इसका मतलब एक्स डी वाई और वाई डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कट हो गया। अब क्या बचा, x डॉट y। अब आप सॉल्व करना आसान है, जैसे उन्होंने बोला कि वर्क डन टू स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 2, 5, 3, ये निकालना है। तो अब यहाँ पे आप लिख देना 2, 3 से लेके 5, 3 तक, इस तरह से आप सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि 3x² y² z² i प्लस 2y x³ z² j प्लस 2z x³ y² k, इस तरह से आपको फंक्शन दिया होगा। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, एक को कांस्टेंट रख दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर एक को कांस्टेंट रखा, बाकी को डिफरेंशिएट किए, ऐसे वन बाय वन उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तो ये जो है ये डिफरेंशिएशन ऑफ x³ y² z² मिल जाएगा। और जब आप इंटीग्रेशन एफ डी एस करेंगे तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x³ y² z², तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कटेगा, तो x³ y² z² ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं।